झाबुआ विधानसभा सीट के लिए अगले महीने 21 अक्टूबर को होने वाले उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जहां 5 बार के सांसद कांतिलाल भूरिया को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं प्रदेश के मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा चेहरे को अपना उम्मीदवार बनाया है। भाजपा ने रविवार को झाबुआ विधानसभा सीट के उपचुनाव के लिए भानु भूरिया के नाम की घोषणा की है। भानु भूरिया भाजपा की युवा इकाई के झाबुआ जिला अध्यक्ष हैं। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां खम ठोक रही है। कांग्रेस पार्टी जहां प्रदेश सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के दम पर चुनाव जीतने का दावा कर रही है, वहीं भाजपा प्रदेश सरकार की नाकामियों और पीएम नरेंद्र मोदी की उपलब्धियों के नाम पर जीत का दावा कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने रविवार को झाबुआ उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा करते हुए कहा कि कमलनाथ सरकार की नीतियों योजनाओं से प्रदेश का किसान हो या युवा, सभी परेशान है। भाजपा ने युवा चेहरे को मौका दिया है, इसलिए हमें पूरा भरोसा है कि भाजपा की उपचुनाव की जंग जीतेगी। झाबुआ विधानसभा उपचुनाव के लिए यूं तो पिछले एक पखवाड़े से मध्य प्रदेश की सियासत में गर्माहट दिख रही है, लेकिन शनिवार को कांग्रेस और रविवार को भाजपा प्रत्याशी के नाम के ऐलान के बाद अब इस आदिवासी बहुल जिले की सियासत की गर्मी और बढ़ेगी। कांग्रेस ने उपचुनाव में अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार के मंत्रियों और विधायकों की फौज को भी काम पर लगा रखा है। वहीं विपक्षी भाजपा भी अपने स्तर से चुनाव जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सोमवार को झाबुआ में दोनों ही दलों के कई वरिष्ठ नेता पहुंचने वाले हैं, ऐसे में चुनावी सियासत के और गर्माने के आसार बढ़ गए हैं। 21 अक्टूबर को झाबुआ उपचुनाव में मतदान होना है और 24 अक्टूबर को इस मतदान की मतगणना की जाएगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.